करोड़ों रुपए की बेशकीमती अवैध जमीन कब्जा मुक्त। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका ने की संयुक्त कार्रवाई। खेत में लगी फसल पर चला बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया हिंद्रीवान और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका नीमच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नीमच के बगीचा नंबर 12 क्षेत्र में स्थित करीब 11 बीघा खेत की जमीन से अवैध अतिक्रमण को मुक्त करवाया है। इस दौरान खेत में लगी फसल पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया गया। वहीं पास ही एक अन्य व्यक्ति के धार्मिक स्थल के समीप बनाए गए अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया, जिसे लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विवाद में महिला और परिजनों की पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बहस हुई और स्थिति झूमाझटकी तक आ पहुंची। हालांकि लोगों को समझाने के बाद मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि जमीन नगर पालिका की है, जिस पर लक्ष्मी नारायण नामक व्यक्ति का अवैध कब्जा था। इस संबंध में न्यायालय के द्वारा कई बार नगर पालिका के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है, बावजूद इसके कब्जाधारी कब्जा छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि इस स्थान पर नगर पालिका द्वारा एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए यह भूमि नगर पालिका के कब्जे में ली है। वहीं इस कार्रवाई में 5 JCB मशीनों का प्रयोग किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान SDM ममता खेड़े, CSP फुलसी परस्ते, तहसीलदार विजय सेनानी, नायब तहसीलदार कविता कड़ेला, नगर पालिका CMO महेंद्र वशिष्ठ, केंद्र थाना प्रभारी सौरव शर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस बल और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। नीमच जिले की हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।